देखिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है हमने, जो बजट पेश जम्मू कश्मीर का हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर डेलीवरीज को काफ़ी सबज ख्वाब दिखाए गए थे, अभी तक जो है सरकार यहाँ पे इस चीज़ को स्पष्ट नहीं कर रही है। उस चीज़ के लिए आज हमारे सीनियर लीडरशिप यहाँ पे इकट्ठा हुई है, मंथन किया है। 1 अप्रैल को तक हम देख रहे हैं और 1 अप्रैल के बाद हमारी पूरी टीम जो है वो फिर दिल्ली का रुख करेगी और कुर्सी को झंझाड़ेगी, जिस कुर्सी ने हमारे साथ वादा किया है। अगर सरकार ये मिनिमम वेज एक्ट जो रेगुलेशन पॉलिसी लागू करने में जो अगर विफल होती है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन जो जम्मू कश्मीर में शुरू होने जा रहा है। लेकिन अभी हम फिर उस चेयर के पास जाएंगे जिस चेयर ने हमारे वादा किया था, और जब भाजपा यहाँ जम्मू कश्मीर में आई थी और अच्छे दिन का वादा किया था और 3735 हटने के बाद हम जैसे वर्कर जो वर्कर्स हैं कहा गया था आपके साथ इंसाफ होगा, लेकिन वो इंसाफ अभी तक नहीं हुआ है और दूर दूर तक भी कहीं इंसाफ की नज़र नहीं आ रही है, जिस तरीके से हम इनके लीडरों के बयान आज सुन रहे हैं। इसलिए मेरी मीडिया से भी रिक्वेस्ट है, हमेशा सपोर्टेड रहे हैं, आगे भी सपोर्ट करें। और जम्मू कश्मीर जो लड़ाई जो पॉलिटिक्स लड़ाई बना चुके हैं हमारे इस इशू को, अब ये इस इशू को लेके अब हम दिल्ली में फिर से एक बार जाएंगे। अगर हमें लगा कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो सबसे बड़ा मंदिर से नाला कहा जाता है और इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट, उसका भी हम रुजू करेंगे और उसके बाद जम्मू कश्मीर की जो लड़ाई है इसको किस तरीके से लड़ना होगा, यहाँ के तमाम लोगों को एक प्लेटफार्म पर ला के जो है हम लाएंगे और लड़ाई का आगाज़ करेंगे। इसलिए मेरी आपके चैनल के ज़रिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है, हमारा रिक्वेस्ट है LG साहब से कि साग को और ज़्यादा भड़कने न दें, वक्त रहते हुए फैसला करें, वन टाइम सेटलमेंट करें, नहीं तो एक बड़े तूफान जो खड़ा हो जम्मू कश्मीर होने जा रहा है उसके लिए अब सरकार तैयार हो जाए। और कुछ यहाँ आगे आने वाले गर्मी में रमज़ान भी आ रहा है, अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है, अगर पानी बिजली जैसी सुविधाएँ यहाँ पर बंद हुई तो उसका जवाबदेही सरकार की होगी और आंदोलन जो है अब कड़ा से कड़ा रुक चला जाएगा। और जो लोग आज अलग अलग धरनों पर बैठे हैं उनके साथ पूरी संपत्ति हमारी है, हम उनके साथ खड़े हैं और जम्मू कश्मीर के होमगार्ड्स, BSF एस्पिरेंस, यहाँ के HDFC, यहाँ से और जो लोग दिल्ली से अलग अलग लोग हैं, अनऑर्गनाइज लोग हैं, इन तमाम को कोशिश करेंगे एक प्लेटफार्म पर लाने की और जम्मू कश्मीर में एक नई लड़ाई का आगाज़, एक नई शुरुआत का, जिससे भाजपा को फाड़ के यहाँ से बाहर फेंकने का काम करेंगे और अपने जो यहाँ के गरीब मजदूर लोगों को है उनको सतर्क सामने ला के लड़ाई लड़ने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और उसके लिए आज मीटिंग जो यहाँ पे हमारी हुई है।